पिछले क्लास में हमने सीखा था विनती पद्य का सारांश, वो भी चार पंक्तियों का सारांश सीखा था, ठीक है। हे प्रभु, हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए, सत्य के पथ पर चले हम सदाचारी बने, ठीक है। पर हित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने। गुरुजनों का आदर, हम आज्ञाकारी बने। ज्ञानी बने, बलवान बने, ज्ञानी बने, बलवान हो, हम भारत माँ की शान हो। मातृभूमि के करे रक्षा, देश के प्रहरी बने। हे प्रभु, हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। तो हमने इसमें से चार यानी कि प्यारा सीख लिया था, जो आगे का जो है यहाँ है कि ज्ञानी बने और बलवान हो, यहाँ से हमें शुरुआत करनी थी, ठीक है। तो मैं पहले का जो रिवीजन है आपको दोहराती हूँ, ठीक है। हे प्रभु, यानी कि बच्चे कवि के रूप में बच्चे क्या कह रहे हैं, हम बालकों को बुद्धि इतनी दीजिए, यानी कि वो भगवान के पास विनती कर रहे हैं कि हमें इतनी बुद्धि दीजिए कि हम सदा सत्य के पथ पर चलिए और सदाचारी बने। सदाचारी मीन्स क्या है, मैंने यहाँ लिखा था अच्छे आचरण, मीन्स गुड मैनर्स। वी आई ऑलरेडी रोट ऑन द बोर्ड, ओके। नाउ नेक्स्ट, परहित हमारे कर्म हो, हम परोपकारी बने। परहित मीन्स दूसरों के लिए अच्छा करना, उनके यानी कि दूसरा वाला उनकी तरफ से, यानी कि मैंने उसको हेल्प किया तो वो उससे मैं ये हेल्प लूँगी, ऐसे नहीं सोचना है आपको। उसके बारे में नहीं सोचना है कि मुझे रिटर्न में कुछ मिलेगा करके, आपको दूसरों के लिए हितकारी करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि जब एक अंधा आदमी रास्ते पे चल रहा होता है तो उसको हाथ पकड़ के आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर आप छोड़ देते हैं, आप उसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मुझे कुछ मदद करेगा करके, नहीं। तो उस तरह आपको परोपकारी बनना है। गुरुजनों का करे आदर, हम आज्ञाकारी बने। गुरुजन मीन्स शिक्षक वर्ग, टीचर्स को हमें सदा के लिए यानी कि हमेशा हमें रिस्पेक्ट करना है टीचर्स के। टीचर इज द सेकेंड मदर ऑफ द चाइल्ड, तो क्या करना है, टीचर्स के रिस्पेक्ट करना है और उनकी आज्ञा का पालन करना है। जैसे मम्मा कहने पर आप कहीं बाहर नहीं जाते, उसी तरीके से टीचर्स जो कहते हैं उनकी आज्ञा का, आज्ञा मीन्स ओबीडियंट रहना है टीचर्स के लिए। आगे क्या जो पैरा आता है देखिए अभी ध्यान से। ज्ञानी बने, बलवान हो। ज्ञानी मीन्स नॉलेजेबल, इफ यू आर गोइंग टू स्कूल देन यू विल गेट नॉलेज, विदाउट इन द होम ऑल्सो यू विल गेट नॉलेज, बट वॉट एवर वी आर टीचिंग, वॉट एवर वी आर मोटिवेटिंग, दैट यू विल नॉट गेट टू एनी वे, सो यू हैव टू कम टू स्कूल। तो उसके लिए क्या करना है आपको, स्कूल को जाकर अच्छे से ज्ञानी बनना है, यानी कि हर एक वस्तु का, हर एक एग्जाम्पल के लिए, हर एक मतलब छोटे से छोटे वस्तु का या छोटे से बड़े वस्तुओं का ज्ञान आपको रहना चाहिए, दुनिया का ज्ञान रहना चाहिए, यानी कि जीके आप कह सकते हैं, आपका सब कुछ नॉलेज रहना चाहिए। बलवान, बलवान कैसे बन सकते हैं आप, बलवान यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं, खा पी के तो बन सकते ही हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। डेली आप करेंगे एक्सरसाइज, नहीं करते, कुछ लोग तो उड़ते हैं, डायरेक्ट नहाने के लिए जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, उतना ही, लेकिन एक्सरसाइज कोई भी नहीं करता। इसके लिए हेल्दी फिट रहने के लिए आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम भारत माँ की शान है। अभी आपके छोटे बच्चे कल के क्या है, प्रजा है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, अभी से ही उनको तैयारी करनी है, दुनिया का ज्ञान लेना है और शक्तिशाली स्ट्रांग बनना है, तभी जाके भारत माँ की शान आप बढ़ा सकते हैं। अभी समझिए कि आप पतले हैं और किसी ने आपको पुश किया तो आप गिर जाओगे, तो यहाँ पे भारत माँ की आप हेल्प कर सकोगे, भारत माँ की शान बढ़ा सकोगे, नहीं ना। इसके लिए आपको क्या करना है, खा पी के तंदुरुस्त होके स्ट्रांग होना है, एक्सरसाइजेस करनी है एवरी मॉर्निंग, ठीक है। उसके लिए आपको जो कुछ भी एक्सरसाइजेस रहते हैं, प्राणायाम, योगासन,
वैसे वगैरह जो भी एक्सरसाइज रहते हैं वो आपको करने हैं। आगे देखिए, मातृभूमि की करे रक्षा, देश के प्रहरी बने। मातृभूमि मीन्स अपने देश की, मातृभूमि मीन्स अपनी, मातृ मीन्स माँ, अपनी भूमि मीन्स अपनी धरती के लिए, अपनी धरती की रक्षा के लिए आपको, हमें क्या करना है, प्रहरी बनना है, रक्षक, सोल्जर बनना है। सोल्जर जैसे यू कैन से, यू कैन नो, एवरीवन नो सोल्जर्स, आर्मी, आर्मी के लिए, आर्मी में जो भी जाते हैं सैनिक सोल्जर, वो देश के सेवा में ही डूबे रहते हैं। उसी तरह आपको भी बनने के लिए क्या करना है कि ज्ञानी बनना है और बलवान भी बनना है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए यानी हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या करना है, तो स्ट्रांग बनना है। स्ट्रांग बने तो ही अपने देश की हिफाजत आप कर सकते हैं ना। हम लोग हिफाजत से हैं बोले तो इसके लिए कारण कौन है, आज की आर्मी है, ठीक है, सोल्जर से उनको हमें सैल्यूट करना है। हे प्रभु, हम बालकों को ज्ञान इतना दीजिए। हे भगवान, हम उनके काबिल बने और हमें देश की रक्षा करने जैसे ताकत मिले, हम अच्छे बलवान बने, इतनी हमें ताकत दीजिए, इतनी हमें हिम्मत दीजिए, करके ज्ञान दीजिए करके। वो सभी ज्ञान भगवान के पास, कवि रूपी बालक भगवान के पास विनती कर रहा है। यहाँ है यह पद्य का सारांश। अभी जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं यहाँ पे लिखूँगी, उसको अगले क्लास में आपको लिखकर अपने क्लास वर्क में उतारना है। सोचती हूँ कि ये पद्य आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार आप वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक सामने रख के आप ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अगले क्लास में इसके शब्दार्थ में बोर्ड पर लिखकर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप ये स्टडी कीजिए। धन्यवाद।